देश के लिए जीना है। हर कोई खाना खाता है, काम करता है, जॉब करता है, लेकिन देश के लिए सोचना और देश के लिए बनना हर किसी के लाइफ में नहीं आता। मेरा पहले एम था मैं डिफेंस लाइन ज्वाइन करूं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं एलिजिबिलिटी नहीं था, लेकिन फिर भी मैं अपने देश के लिए मतलब वो नेशनल फ्लैग मेरे को किसी भी हाल में सबमिट करना था कहीं पर भी, तो उसी के कारण मैंने यही सोचा कि माउंटेनियरिंग फील्ड के अंदर जाऊँ। तो मैंने 2012 से माउंटेनियरिंग शुरू किया, आज तक मैंने 11 माउंटेन अभी इंडिया में चढ़ चुका हूँ। अभी मेरा प्लान था माउंट एल्ब्रुस जाने के लिए, जो रशिया का सबसे हाईएस्ट पीक था, इसलिए मैं नहीं गए पाया जा पाया क्योंकि यूरोप में मतलब स्थिति बहुत ख़राब चल रहा है कोरोना की वजह से। मेरा यही एक मकसद था पहले कि मैं अपने लिए नहीं, मैं अपने देश के लिए जीना चाहता हूँ। इसके कारण मैं सोचा कि घर पर बैठने से कुछ मेरे को फ़ायदा नहीं मिलेगा। जैसे मैंने एक वेजिटेबल शॉप भी खोला है और वहाँ पे यूनिट वन मार्केट प्राइस जो जैसे होलसेल प्राइस रहता है, तो उसी प्राइस के साथ मैं यहाँ पे लोगों को सामान डिलीवरी कराता रहता हूँ। वेजिटेबल इसलिए मैंने रखा है क्योंकि ये डेली सबको चाहिए होता है। जैसे ग्रोसरी लेने से एक महीना आपका चल जाएगा, लेकिन ये सब्जी वगैरह ये सब नहीं टिकेगा। और खाली वेजिटेबल्स हम लोग प्रोवाइड नहीं करते फ्री होम डिलीवरी, ग्रोसरी भी देते हैं, फ्रूट, मिल्क, मेडिसिन, जितना भी जो कोई भी ऑर्डर करता है, और उसके लिए हम लोग कुछ भी चार्जेस नहीं लेते हैं और फ्री होम डिलीवरी करवाते रहते हैं। और मिनिमम परचेस का कुछ भी रेंज नहीं है, जितना आप चाहेंगे उसके हिसाब से हम लोग डिलीवरी करवा सकते हैं। आलू, हाँ मैम, आलू 2 किलो, टमाटर 1/2 किलो, प्याज 2 किलो, बैंगन 1/2 किलो, और क्या चाहिए मैम? वेजिटेबल शॉप में मैंने एक सर्कल खींचा है और उस सर्कल में सबको खड़ा कराता हूँ। सब्जी में हाथ लगाने के लिए मैं तो ज़्यादातर किसी को नहीं बोलता हूँ, लेकिन जो कोई देख सोचते हैं कि हम लोग बिल्कुल खुद को चुन के लेकर लेना चाहिए, तो पहले उनको मैं सैनिटाइजर से हाथ उनको धोता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग उनको प्रोवाइड करता रहता हूँ। बाकी जितना भी है यहाँ से प्रॉफिट निकलेगा मैं पीएम रिलीफ फंड और सीएम रिलीफ फंड को दूँ। सबके दिलों में एक सवाल आता होगा कि डोनेट क्यों करूं, मैं तो बिजनेस कर रहा हूं, लेकिन मैं इसलिए बिजनेस नहीं कर रहा, ये मेरा प्रोफेशन नहीं है, मेरा माउंटेनियरिंग है। मेरा मकसद था कि मैं लोगों को कुछ हेल्प कर सकूं। वो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, वो इतना मैं उसको मिस करता हूँ, जिससे वो जन रहे थे, वो माँ बाप भाई बहन और गर्लफ्रेंड की तरह माउंटेन मेरे लिए, मैं उसको इतना मिस करता हूँ कि मतलब उसके लिए मेरा मतलब यहाँ पे मेरे लग रहा है कि मेरे शरीर में दिल नहीं है। एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल हो रहा है, मतलब मेरे आँखों में भी आंसू आ जाते हैं जैसे उसके बारे में मैं सोचता रहता हूँ। मैं तो डेली भगवान के पास प्रार्थना करता हूँ ये कोरोना जल्दी ख़त्म हो जाए, ताकि मैं अपने माउंटेनियरिंग फील्ड में चला जाऊँ और अपने शरीर में दिल वापस लगा लूँ। मतलब जैसे रोबोट की तरह निकाल के रखने से मेरे को वही लग रहा है।